नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। फरीदाबाद में एक तरफ जहां बारिश से फसलों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जियां भी अपने तेवर दिखाने लगी हैं और इससे आम लोगों की जेब पर काफी असर पड़ रहा है। बरसात की वजह से सब्जियों के दाम अब दोगुने हो गए हैं। ग्राहक सब्जी खरीदते समय हिचकिचा रहे हैं। सब्जी मंडी में सारी सब्जियों के दाम महंगे होने से आमजन की रसोई पर काफी असर पड़ता देखा जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है, जहां पर 3 दिन से लगातार बरसात के चलते मंडियों में अब सब्जियों के दामों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, आम लोगों के घरों की रसोइयों पर भी इसका काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश होने से हरी सब्जियां, टमाटर, घिया, तोरी, मटर, शिमला मिर्च, धनिया, पालक और जो सब्जी धरती पर उगाई जाती है वो बरसात के चलते खराब हो गई है, जिसके चलते अब मंडियों में सब्जी के रेट आसमान छूने लगे हैं। महंगाई की वजह से लोग सब्जियां खरीदने से भी अब हिचकिचा रहे हैं। सब्जी विक्रेता का कहना है कि बरसात के चलते मंडियों में पीछे से सब्जी महंगी आने लगी है, इसको लेकर ग्राहकों तक भी महंगी सब्जी पहुंच रही है। इससे अब आम लोगों की रसोई पर काफी असर पड़ रहा है। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदत्त है। सब्जी लेने आए हैं, सब्जियाँ महंगी हो गई, क्या कहना है? सब्जियाँ बहुत महंगी हो रही हैं, बहुत ज़्यादा सब्जियाँ महंगी हो रही हैं और इतनी 3 दिन के बरसात की वजह से काफ़ी सब्जियाँ महंगी हो गई हैं। बड़ी दिक्कत आ रही है सब्जी खरीदने में। पहले रेट की बात करें, पहले कितने थे, अब कितने हो गए? पहले की अपेक्षा बहुत दुगने रेट हो गया हर सब्जी का। क्या कारण मानते हैं? ये 3 दिनों की बारिश की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है सब्जियों की। पहले कितनी सब्जियाँ ले जाते थे, अब कितने ले जा रहे हैं? पहले हम ज़्यादा 500 रुपये के ले जाते थे, अब 100 रुपये की भी खरीदनी बड़ी भारी पड़ रही है। क्या नाम है आपका? अभिषेक भारद्वाज। अभिषेक, सब्जी खरीदने आए तो कितना मुनाफा देखा गया आगे पीछे? देखो, जितने भी सब्जियाँ हैं सभी के रेट ज़्यादातर बढ़ी गए हैं। जो हरी सब्जी है जो हम पहले ले रहे थे, एक हफ्ते रेट पहले कुछ और था और अब जो देख रहे हैं वो बहुत रेट में बहुत चेंज आ गया। जहाँ तक है हरी सब्जियों में ज़्यादातर हर चीज़ पर रेट बढ़ गए, जैसे 10 रुपये ज़्यादातर हर चीज़ महंगी हो गई। क्या कारण मानते हैं इसकी? कुछ तो ये महंगाई की वजह से है। अब ये जो चीज़ लेके आ रहे हैं दुकानदार, ये खुद ही जब ज़्यादा रेट पर लेके आएंगे तो हमें तो बेचेंगे ज़्यादा। बीच में जो बरसात भी पड़ी है और बारिश जो होगी उस वजह से भी थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आई है, उस वजह से भी थोड़ा हो सकता है कि उनको महंगा बेचना पड़ रहा है। अगर घिया की बात करें तो घिया कितने रुपये किलो मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? घिया पहले जो रेट था वो 20 रुपये किलो चल रहा था, लेकिन अब जो की जो रेट में है वो 30 रुपये किलो दे रही है हमें घिया। विजेंदर, विजेंदर, बारिश के कारण कौन कौन सी सब्जी महंगी हो गई है? भाई, जो हरी सब्जी लोकल की है वो सारी महंगी हो गई है। मतलब ये है कि बारिश से फसल ख़राब हो जाती है ना, तो उस कारण थोड़ा रेट ज़्यादा हो जाते हैं, पीछे से कम आती है सब्जी, इसलिए महंगी होती है। कौन कौन सी सब्जी हैं जो अब ख़राब हो गई हैं और इस टाइम? धनिया ख़राब हो चुका है, पालक ख़राब हो चुका है, घिया, तोरी, जो सारी नीचे चीज़ लगती है ना ज़मीन पर, पेड़ वाले तो अगर थोड़ी बहुत बच जाती है, जो नीचे लगते हैं वो सारे खराब। अगर इनके प्राइस की बात करें तो पहले कितने रुपए किलो थी, अब कितने रुपए किलो हो गए? 20-20 रुपए किलो मार्जिन हो चुका है। 20-20 रुपये, हाँ, जो चीज़ 20 थी वो 40 हो गई, 60 थी वो 80 हो गई, ऐसा। क्या नाम है आपका? गिरिराज। गिरिराज जी, क्या बेचते हैं सब्जी? ये घिया है, घिया पहले 20 बिक रहा अब 30 बिक रहा है। पालक है, मतलब 20 की 3 है, मतलब एक गड्डी 10 रुपए की, 8 रुपए की, ऐसे पड़ रही है। पहले कितने रुपए किलो था घिया? और 20 रुपए किलो। हाँ, अब 30 रुपए किलो बिक रहा है घिया। क्या कारण मानते हैं? बारिश के वजह से बस माल खराब हो गए, सड़ गए माल, ये तो पीछे से ही माल कम आ रहे हैं, तो सड़ गया माल तो खराब कम आएगा ये। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।